नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। गाजीपुर के भुड़खुड़ा थाना पुलिस ने सोमवार की सुबह चौजा पुल के पास से एक टॉप 10 अपराधी को गिरफ्तार किया। इस संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक विजय नारायण मिश्र ने बताया कि सुबह करीब 9 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि अपराधी चौजा पुल के पास मौजूद है। इस सूचना पर एक्शन लेते हुए पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद अपराधी भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। बताया गया कि गिरफ्त में आया अपराधी एमावंशी गांव निवासी 26 वर्षीय मुचनू नट है। पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी। गिरफ्तार करने वाली टीम में हेड कांस्टेबल अवधेश सिंह, कांस्टेबल अजीत कुमार और सरोज शामिल रहे। गाजीपुर शहर के तुलसी सागर स्थित लूदर्स कॉन्वेंट बालिका इंटर कॉलेज के हॉस्टल परिसर में रक्षाबंधन के मौके पर शिक्षिकाओं ने पौधरोपण करने के बाद उस पर राखी बांधी, पौधे की देखभाल करने का संकल्प लिया। मालूम हो कि रक्षाबंधन पर्व पर हर वर्ष लूदर्स कॉन्वेंट बालिका इंटर कॉलेज की शिक्षिकाएं जिला जेल में कैदियों बंदियों के साथ ही अधिकारियों को राखी बांधने के लिए जाती थी, लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी की वजह से वो नहीं जा पाई। इसलिए उन्होंने इस वर्ष कॉलेज के हॉस्टल परिसर में पौधरोपण कर उस पर राखी बांधी। पौधरोपण कार्य में प्रधानाचार्य सिस्टर अल्फोंजा, सिस्टर अंजना, सिस्टर प्रीति, सिस्टर साधना, सिस्टर रूबी आदि शामिल थी। गाजीपुर में रक्षाबंधन और सावन के आखिरी सोमवार को एक तरफ जहां अधिकांश लोगों ने घर पर स्नान कर पूजन अर्चन किया, वहीं शहर के साथ ही विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने गंगा में स्नान कर दर्शन पूजन किया। इस दौरान गहमर गंगा घाट का नजारा देखने लायक था। भोर से ही महिला पुरुष स्नानार्थियों के पहुंचने का क्रम शुरू हो गया था। सैकड़ों लोगों ने गंगा स्नान कर पूजन अर्चन किया। दिन में 10 बजे तक स्नान ध्यान का क्रम जारी रहा। गाजीपुर शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रक्षाबंधन का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया गया। इस मौके पर बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक लगाने के साथ ही उनकी आरती उतार कर कलाई पर प्यार की डोर बांधा और मुंह मीठा कराया। भाइयों ने भी बहनों को उपहार देते हुए उनकी रक्षा का संकल्प लिया। पर्व के चलते घरों में उत्साह जैसा माहौल बना रहा। नन्हे मुन्नों भाई बहनों की खुशी देखते ही बन रही है। नन्ही कलाइयों पर राखी बांधने के बाद छोटी बहनों ने भैया राजा का मुंह मीठा कराने के साथ उनका दुलार भी किया। सबसे ज्यादा उत्साह उन नन्ही बहनों में था जो पहली बार अपने नन्हे भाई को प्यार से राखी बांध रही थी। गाजीपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह के द्वारा दिए निर्देश पर अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में नौनहरा थाना पुलिस ने रविवार की देर शाम एक टॉप 10 अपराधी को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक तमंचा और 2 कारतूस बरामद किया गया। मालूम हो कि नौनहरा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि क्षेत्र के बरिखपुर पोखरा के पास एक टॉप 10 अपराधी खड़ा है। इस सूचना पर उप निरीक्षक हरि नारायण शुक्ला, उप निरीक्षक हरि प्रकाश यादव, अमित कुमार सिंह, कांस्टेबल अमर सिंह, कांस्टेबल रोहित सिंह, कांस्टेबल राजकुमार जैसे ही मौके पर पहुंचे, बदमाश भागना चाहा, लेकिन पुलिस ने घेरेबंदी कर उसे दबोच लिया। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।